जी ने एक वक्तव्य दिया ओबीसी बंधुओं के ऊपर कि 15 सेकंड का वक्त दे दो, तुम कहाँ रहोगे ये पता नहीं लगेगा। देखो ये इशू आपस में लड़ने का नहीं है। बीजेपी जिस तरह से हार के डर से इसके ऊपर उसके ऊपर बात करते रहते हैं, और आज देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो खतरे में आई है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। जो लोक प्रतिनिधि है, सामान्य लोग है, वो करते ही है, लेकिन लोक प्रतिनिधि और विशेष करके बीजेपी हिंदू मुस्लिम जो तनाव पैदा करना चाहती है, जो अमरावती में भी इनके खुद के इलेक्शन में करने की कोशिश की थी पर वो सक्सेस नहीं हुए, समय के साथ हमने उसको वहाँ पे रोका गया, नहीं तो वो इनका जब हारने का दावा शुरू हो जाता है तब ये हिंदू मुस्लिम करने में एक्सपर्टाइज है, और वो उसी आधार पर उन्हें ये स्टेटमेंट किया होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब मसले जो है ये हेडलाइन होने के लिए, कुछ लोग ऐसे इस तरह का वक्तव्य करके हेडलाइन होने की कोशिश करते हैं, उसमें का यह वक्तव्य होगा। नाना भाऊ, तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान नवनीत राणा ने कहा है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हो तो सीधा सीधा पाकिस्तान को वोट देने जैसा है, क्योंकि कांग्रेस की जीत पर पाकिस्तान ही खुश होता है। ये मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने इसकी नोंद लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक निर्देश दिए गए कि हम लोगों ने कैसे वक्तव्य करना चाहिए। अगर इस तरह का वक्तव्य किया जा रहा हो तो बिल्कुल चुनाव आयोग ने इसमें दखल लेना चाहिए। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिनको इतिहास मालूम नहीं होगा, इसलिए उनको इतिहास समझाता हूँ। जब पाकिस्तान ने हमारे तरफ तिरछी नज़र से देखे तो इंदिरा जी, आयरन लेडी, प्रियदर्शनी लेडी, उन्हें इस देश को पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। लाहौर तक जाके उनको समझा क्या है। तो ये इंदिरा जी थी, ये कांग्रेस थी। जो लोग 56 इंची का सीना लेके घूम रहे हैं, जो पुलवामा की घटना हुई, अभी तक पुलवामा के घटना के जो दोषी थे अभी तक पकड़े नहीं, अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि ये बेफजूल वक्तव्य कर पाकिस्तान की इनको बार बार क्यों याद आती? क्योंकि इनके प्रधानमंत्री वहाँ जाकर बिरयानी खा के आए थे इसलिए, या पाकिस्तान से इनकी संबंध है? लेकिन जो बात देश के हित की है, और ये देश के हित के ही नहीं, और चुनाव आयोग ने इस पर ऑलरेडी वक्तव्य के ऊपर बैन लगाया है, तो इसलिए तुरंत चुनाव आयोग ने कार्रवाई करना चाहिए। सर, आपके सहयोगी दल उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की तरफ से एक बयान आया है, संजय राउत जी का बयान है कि महाराष्ट्र की धरती पे औरंगजेब की कब्र खोद के उसे गाड़ दिया गया, तो नरेंद्र मोदी तुम क्या हो? देखो, मैं संजय राउत के स्टेटमेंट को हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। वो उनका इशू है, वो क्या बोलते हैं, कौन सा वक्तव्य करते हैं, वो उनका इशू है। कांग्रेस को उसका कोई लेना देना नहीं। तो क्या आपको लग रहा है इस प्रकार प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना? हमने बोल दिया ना, हमें ऐसे वक्तव्य को कोई महत्व नहीं देते, और हमें उस वक्तव्य के बारे में कोई डिस्कशन करना नहीं। भाऊ, मुंबई के एक उम्मीदवार हैं अमोल कार्तिकर, उनके चुनाव प्रचार के दौरान जो 1993 के बम ब्लास्ट के आरोपी थे इकबाल मूसा, वो हाथ में मशाल लेके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसके बाद काफ़ी राजनीति गर्मा गई है। बोल रहे हैं कि जो मशाल है वो आतंकियों के हाथ में है। मुझे तो देखा नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी के जो आतंकवादी व्यवस्था को जो पैसे पहुंचाने वाला सरोज, और कश्मीर में एक आतंकवादी टेररिस्ट रहा हुआ जो बीजेपी में है, उनकी मालूमात मेरे पास है। बीजेपी को अगर ये कोई मशाल लेके घूम रहा हुआ कोई आतंकवादी दिखा होगा तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन तुम्हें यह बोलने का अधिकार किसने दिया? ये सवाल का भी तो जवाब देना चाहिए। जो मध्य प्रदेश का जो टेररिस्ट फंड सप्लाई करने वाला जो आदमी था, सरोज नाम का, सरनेम उनका सरोज है, उसका नाम कुछ तो भी है, और कश्मीर में आपने एक आतंकवादी को पार्टी का मुखिया बनाया है, तो क्या आपको ये बोलने का अधिकार है? उसका जवाब बीजेपी ने पहले देना चाहिए। वो 3 चरण हो चुके हैं महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर, 2 चरण अभी भी बचे हैं, उसका प्रचार भी अभी बाकी है। क्या आकलन है 3 जो चरण हुए उस चुनाव में, कांग्रेस किस तरीके से और महाविकास आघाड़ी किस तरीके से स्टैंड करते हैं? जो 3 चरण के जो चुनाव हुए उसमें 100% रिजल्ट
महाविकास आघाड़ी की ओर है। लोगों ने चुनाव हाथ में लिया है। एक झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री 10 साल से लोगों ने देखा है। एक गुस्सा नरेंद्र मोदी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर लोगों का है और लोगों का मानस एकदम तैयार है, मानस बना लिया लोगों ने और लोगों ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का पूरा मानस महाराष्ट्र में बनाया है और उसी के आधार पर महाविकास आघाड़ी के जो 3 चरण के जो चुनाव हुए उसमें 100% रिजल्ट ये महाविकास आघाड़ी के फेवर में आ रहा है, ऐसा ही आपको देखने मिलेगा। आंकड़ा क्या होगा नाना, वो क्या लग रहा है आंकड़ा जो समय है तो अभी तो 45 तो हम लोगों का तो दिख ही रहा है लेकिन समय है तो 48 भी हो सकता है।